रेड अलर्ट टॉपिक तो आप सब समझ ही गए होंगे। मैं हूं डॉक्टर दानियाल जिलानी और आज का हमारा टॉपिक है COVID-19 मतलब कोरोना वायरस। एक छोटा सा वायरस जो एक मोहल्ले से शहर, शहर से मुल्क, मुल्क से मुमालिक तक किस तरह से पहुंचा और ये हमारे फेफड़ों को कैसे मुतासर करता है। इब्तदाई मराहिल में आपको ये महसूस होगा कि ये एक आम सा नजला जुकाम है और हो भी सकता है, लेकिन COVID-19 बहुत तेजी से बढ़ता है। ये तमाम बातें आपको मालूम होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चाइना ने COVID-19 के खिलाफ एक ज्वाइंट मिशन किया। 20 फरवरी तक 80% तशखीस शुदा केसेस हल्की बीमारी के थे, 14% मरीज खतरनाक और 6% बहुत खतरनाक थे। ये बात ध्यान में रहे कि COVID-19 का एक आम केस भी आम तौर के खांसी नजला जुकाम से ज़्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक केसेस के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है और बहुत खतरनाक केसेस निज़ाम तनफ्फुस और बाकी अज़ा की नाकामी से साबित होते हैं। बीमारी की अलामत, इलाज और वक्त हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। आप जानते हैं कि COVID-19 दिन ब दिन किस तरह की शक्ल इख्तियार करता जाता है। पहली अलामत 2 से 14 दिन के अंदर जाहिर होती है। इस दौरान मरीज को ये आम सा बुखार, नज़ला, खांसी लग सकता है। बहुत से मरीजों को पहले ही बुखार की शिकायत होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइना जॉइंट मिशन ने इस बात की तस्दीक की 80% मरीज जिनको COVID-19 था उनको बुखार की शिकायत भी थी। एक और रिसर्च में ये बात साबित हुई कि सिर्फ 44% मरीजों को अस्पताल में दाखिले के वक्त बुखार था और 89% मरीजों को अस्पताल में दाखिले के बाद बुखार हुआ। कुछ मरीज मैदे की खराबी के अलामात के साथ भी दाखिल हुए जिसमें पेचिश, मतली, उल्टी और पेट के दर्द की शिकायत शामिल थी। ये अलामात निज़ाम तनफ्फुस की खराबी से पहले जाहिर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि COVID-19 निज़ाम तनफ्फुस का एक मर्ज़ है, जिसका मतलब है बेशतर मरीजों के लिए ये वायरस शुरू और ख़त्म निज़ाम तनफ्फुस पे होगा। इन्फेक्शन के इब्तदाई मराहिल में वायरस सबसे पहले फेफड़ों के सेल्स को मुतासर करता है। सेल्स में मौजूद सीलिया जो सांस की नाली में बलगम की सफाई का काम करते हैं, वायरस की मौजूदगी के सबब ये अपना काम छोड़ देते हैं और तेज़ी से नापैद होने लग जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ ये बलगम में मिलते चले जाते हैं और सूजन का बाइस बनते हैं, और ये सूजन उस इंतहा को पहुंच जाती है जहां एक भी सही काम करता सेल नहीं बचता, और यही सबब इब्तदाई अलामात में सूखी खांसी का जाहिर होना बनता है। इसके साथ सांस का तनाव और दीगर अलामात भी जाहिर होती हैं, जिसमें थकावट, गले में खराश, सर में दर्द, जोड़ों और पट्ठों में दर्द, कपकपी और नज़ला शामिल हैं। 5वें दिन तक वो मरीज जिनमें ये अलामात पहले ही जाहिर हो चुकी हैं उनको सांस लेने में तनाव महसूस होने लगता है, और 7वें दिन तक ऐसे मरीज अस्पताल का रुख करते हैं। कुछ मरीज इस वक्त तक ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन ख़तरनाक और बहुत ख़तरनाक मरीजों को इस वक्त तक नमूनिया हो जाता है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे मरीज कुछ दिन से लेके हफ्तों के बीच भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ मरीज निज़ाम तनफ्फुस की खराबी के बायस और ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ये तब होता है जब फेफड़ों में एक बड़ी मकदार में पानी जमा हो जाता है। सूजन के बायस मुदाफियत के सेल्स फेफड़ों का रुख करते हैं। आम हालात में ये इन्फेक्शन ज़्यादा सेल के ही खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ये जिस्म के सही काम करता सेल्स को भी ख़त्म कर देते हैं। बेशतर वक्त ARDS जानलेवा साबित होता है। ख़तरनाक मरीज़ में ये निज़ाम तनफ्फुस की ख़राबी का बाइस बन सकता है। ऐसे मरहले में मरीज़ को एडवांस लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके पेश नज़र उसे ICU में मुंतकिल कर दिया जाता है। ARDS के इलाज में ऑक्सीजन की फरहमी और मस्नूई सांस दी जाती है। इस वक्त इस बात को मद्देनज़र रखना होता है कि रोगों में ऑक्सीजन की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त फेफड़े काम नहीं कर रहे होते। जब ये इलाज काम नहीं करता क्योंकि फेफड़े एक बड़ी मकदार में पानी से भरे होते हैं, जिसके सबब वो खून में ऑक्सीजन फराहम नहीं कर पाते, और इसी वजह से COVID-19 के बेशतर मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वो मरीज़ जो इस मरहले से निकल भी आते हैं उनके फेफड़े मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो जाते हैं।
सार्स कई मरीजों के फेफड़ों में छेद कर देता है जो मक्खी के छत्ते की तरह नजर आते हैं, और ये जख्म अक्सर कोरोना वायरस के मरीज के फेफड़ों में देखा गया है। रिसर्च के मुताबिक बेशतर मरीज 14 से 19 दिन के अंदर ही इंतकाल कर जाते हैं और बाकी 2 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। नहायत खतरनाक मरीजों को ठीक होने में कई महीने भी लग सकते हैं। मरीज ठीक होने के मरहले के दौरान भी इस वबा को फैला सकता है। इस तरह के मरीजों को चाहिए कि वो डॉक्टर की इजाज़त के बगैर कोई कदम ना उठाएं। अभी तक इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं, तो बीमारी से बचने का बेहतरीन तरीका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। COVID-19 इंसान से इंसान को आराम से लग सकता है, खांसी और छींक के बायस, तो अपने हाथों को सही से धोइए और तस्दीक शुदा मरीज के करीब जाने से इज्तनाब कीजिए। अपने रोज़मर्रा की इस्तेमाल करदा चीज़ों को पाबंदी से साफ कीजिए। COVID-19 एक संजीदा मसला है, लेकिन काफ़ी मरीज ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए घर पे रहिए, साफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। तो आप क्या सीखा आज की वीडियो से? याद रहे, क्योंकि इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, इसीलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को अपने ऊपर लाजिम समझें। हाथों को अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक धोएं, मुंह पे मास्क पहनें और अलामात जाहिर होने की सूरत में अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन मतलब घर के तमाम दूसरे अफराद से दूर रखें। अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है तो अपने करीबी डॉक्टर से फौरी रुजू करें। याद रहे, हम इसी तरीके से इस मर्ज पर काबू पा सकते हैं। साफ पाकिस्तान, बेहतरीन पाकिस्तान।